वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स अभी का वीडियो है केस स्टडी ऑफ अजीत डोवल सुपर स्पाई जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लेना, यहाँ पे मैं उसका लिंक भी लगा दूंगी, बहुत ही अच्छा बता रहे हैं। तो अब शुरू करते हैं सेकंड पार्ट, पर शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड हमारा दूसरा चैनल ट्विटर इंस्टाग्राम अकाउंट सबके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। अगली कहानी स्वर्ण मंदिर अमृतसर की। एक जासूस की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मविश्वास होता है, और वहाँ स्वर्ण मंदिर, वहाँ भिंडरे वाला इन लोगों ने कब्जा कर रखा था पूरे स्वर्ण मंदिर को। 1984 में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था तो कई लोग मारे गए थे, पूरा स्वर्ण मंदिर भी टूट गया था, तो लोगों को बहुत बुरा लगा, स्वयं इंदिरा गांधी को भी बुरा लगा था। नहीं चाहते थे कि गुरुद्वारे का नुकसान हो, पर नुकसान बहुत हो चुका था, सिख लोग बहुत नाराज हो चुके थे। लेकिन इस दफा जो खालिस्तान की डिमांड के लिए कई आतंकवादियों ने स्वर्ण मंदिर को कब्जे में ले लिया, उसको छुड़वाना था, और कैसे किया जाए। केपीएस गिल उस समय इंस्पेक्टर जनरल हुआ करते थे, हेड ऑफ द पुलिस थे उस समय पूरे पंजाब के। ये वहां पहुंचे अजीत डोवाल, अजीत डोवाल बन गया वहां रिक्शा वाला, और रिक्शा वाला बन के आज बाजू इधर उधर स्वर्ण मंदिर के आसपास घूमने लगे। अच्छा ये वहां पंजाबी थे नहीं तो पकड़ में आ रहे थे वहां पे, जितने खालिस्तानी आतंकवादी वो समझ रहे थे कि ये आदमी लोकल नहीं लग रहा है, लेकिन ये इतना एक्सपर्ट बन के वहां रिक्शे में घूम रहे थे, शायद ये चाहते थे कि मैं उनकी नजर में आ जाऊं, और आ गए नजर में, पकड़ लिया। और वहां जितने आतंकवादी में चार लोग आए और उसको पकड़ लिया। ए इधर आ, कौन है तू, ए कितों आया है तू, तो सानू पंजाबी लगदा नहीं है, आजा 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 ले के साथ में, पंजाबी नहीं लग रहा तू, कौन है। अच्छा अब ये पकड़े गए वहां, अब परेशान मैं करूं तो क्या करूं। तो इन्होंने उनको समझाया कि मैं आईएसआई का एजेंट हूं और मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मुझे पाकिस्तान से भेजा गया तुम्हारी मदद करने के लिए, खालिस्तान बनाने के लिए। वो माने नहीं, ए तू नौटंकी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ए मारो उसको, कौन है ये। लेकिन उनको उस समय तक इतनी उर्दू सीख चुके थे, इतनी मस्जिद में आना जाना इतना कर चुके थे, इतनी औलिया की मजार देख चुके थे, इतना रिश्ते में उनके साथ पाकिस्तान में घुस चुके थे कि इनके लिए आसान था। इन्होंने उनको कन्विंस कर दिया और इतना कॉन्फिडेंस से कन्विंस किया कि वहां आतंकवादी कन्विंस हो गए, नहीं 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 ये तो आईएसआई ने भेजा है, वो पैसे आएंगे, वो आर्म्स आएंगे, एम्यूनेशन आएंगे। ये खुश हो गए वो, उनको डोवाल को अंदर ले आए। मैंने बताया ना डोवाल की लोगों को कन्विंस करने की साइकोलॉजी के साथ खेलने की क्षमता बहुत बड़ी, और अंदर जा करके कितने स्नाइपर कहाँ है, कितने गन मजबूत है इनके पास में, कौन सी खिड़की से अटैक करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से कौन सा एंगल लेंगे, कहाँ कहाँ इनकी गोली चलेगी, कहाँ चूकेगी, वो सारा अंदर ब्लू प्रिंट अपने दिमाग में छाप लिया। तीन दिन उनके साथ रहे, तीन दिन अंदर पूरा घूम करके देख देख के एक एक आदमी को, अच्छा कितना असला कितना बारूद कितनी देर तक लड़ पाएंगे, लगातार गोली चलाएंगे कितना देर तक लड़ेंगे, लेके इंफॉर्मेशन बाहर आ गए। और बाहर आकर के हमारे वहां जितने भी सारे कमांडोस थे और कमांडो ऑपरेशन में उनको ट्रेन किया, उनको समझाया और उनको एक एक का डायरेक्शन दिया, गए अंदर सारे के सारे आतंकवादियों को खत्म किया, एक भी आदमी सेना का हमारा मारा नहीं गया, एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई, कोई नहीं मरा, कंट्रोल करके पूरा ऑपरेशन जीत करके लेके आए। ये थे अजीत डोवाल, कभी बनते भिखारी कभी बनते रिक्शा वाला। शुरुआत केरला में कंट्रोल किया, बाद में नॉर्थ ईस्ट कंट्रोल किया, पंजाब को कंट्रोल किया, पाकिस्तान से कंट्रोल लेकर के आए न्यूक्लियर वेपन को। अब बारी थी कश्मीर की, इलेक्शन वहां हो नहीं पा रहे थे, इंडिया बड़ा परेशान था, वहां मिलिटेंसी बढ़ती चली जा रही थी, तकलीफें बढ़ रही थी। कुका पारे नाम का वहां एक आतंकवादी हुआ करता था जो पहले फोक सिंगर था, लोग उसको बड़ा फॉलो करते थे, और वो पाकिस्तान से फंडेड था, उनको आर्म्स एम्युनेशन असला बारूद पैसा सब पाकिस्तान देता था कि इंडिया में डिसरप्शन क्रिएट कर दे। अच्छा अब ये पहुंच गए, ये जब जाते थे किसी को पता नहीं चलता कि वहां पहुंच गए, ये पहुंच के वहां जाके कुका पारे को मिले और उसको मिल करके पर्सनली साथ में बिठाया, उससे दोस्ती किया, उसके साथ खाना पीना हुआ, उसके साथ नाश्ता चाय पानी, और रात को भी उसके साथ अलग प्रकार का रिलेशनशिप बनाया कि भाई बैठ के गप मारे आराम से, कुका पारे को कंफर्टेबल कर दिया और समझा दिया कि तुझे कुछ नहीं दे रहा है पाकिस्तान, मैं तुझे सारा सपोर्ट करूंगा। नेगोशिएशन की स्किल्स बड़ी आउटस्टैंडिंग थी इनकी, मिला लिया कुका पारे हो गया इनके साथ में, अपने 250 लोगों के साथ में कुका पारे को सपोर्ट किया और कुका पारे को समझाया कि जो पाकिस्तान तेरी मदद करता था तू उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ, और वही कुका पारे पाकिस्तानी आतंकवादियों के अगेंस्ट इस लड़ाई में भारत के साथ हो गया, उनको मारना शुरू किया, उनको गोलियां बरसाई, बहुत नुकसान किया इन्होंने पाकिस्तान का इस तरह से। और आगे चल के इलेक्शन भी हुए,
उसी के बाद इलेक्शन हो पाए, और बाद में कुका पारे को उन्होंने वहां पे एक एमएलए की तरह खड़ा भी करा दिया, कुका पारे की पार्टी को भी मजबूत कर दिया। पाकिस्तान आतंकवाद करता है, युद्ध नहीं करता है। युद्ध करना बहुत मुश्किल है, मेरी बात समझना। युद्ध जो है ना उसमें पूरे देश को लगना पड़ता है। आतंकवाद क्या है? 10 लोग आए अजमल कसाब मुंबई में, 10 लोग आए बहुत नुकसान करके चले गए। आतंकवाद एक सस्ता ऑल्टरनेट है, युद्ध बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए युद्ध लड़ना तो आसान है, वो डिफेंस की मिनिस्ट्री लड़वा देगी, वो हमारे साथ फॉरेन मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर सब दिमाग लगा करके वो लड़ लेंगे। लेकिन इंटेलिजेंस के साथ में इंटरनल सिक्योरिटी के चीफ हमारे देश के, वो इस तरह 5-5, 10-10 लोगों के जो आतंकवादी हमले होते हैं उससे कैसे बचाएं, वहां इनका बहुत दिमाग लगता था। ये पाकिस्तान ने जो हमारा IC-814 हाईजैक कराया था, जो नेपाल से दिल्ली आ रहा था, काठमांडू से दिल्ली, ये भी क्या है? ये आतंकवाद है, ये वॉर नहीं है। पाकिस्तान युद्ध नहीं करता, आतंकवाद करता था। उसको ले जा करके पहले लाहौर ले गए, उसके बाद उसको ले गए कांधार अफगानिस्तान में, लेकर के वहां से अपने कंट्रोल में ले लिया, और यहां से फोन कर दिया कि मुझको $200 मिलियन दे दो और हमारे 35 आतंकवादी तुम्हारे जेल में जहां जहां है सबको रिहा कर दो। और यहां अजीत डोवाल को बुला लिया गया, भाई अजीत डोवाल आओ संभालो यह मामला। अजीत डोवाल फटाक पहुंच गए वहां कांधार। वहां जाके अजीत डोवाल सोचे कि मैं नेगोशिएट करूं कैसे, क्योंकि यहां सब इनके कंट्रोल में, 170 आदमी हमारे इनके कंट्रोल में, यहां सारी दवाइयां, सारा खाना, सारा राशन पानी, सारा सपोर्ट कांधार के अंदर इनको पूरा मिल रहा है तालिबानियों से। तो अब अजीत डोवाल के पास सामने वाले की कोई वीकनेस थी नहीं, हर बार कोई ना कोई वीकनेस ढूंढ के आ जाते थे। फिर इनको ने देखा कि इनको सपोर्ट करता कौन है, इनको सब देख कौन रहा है, इतनी ताकत कौन दे रहा है, तो समझ में आया ISI जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है वही सपोर्ट कर रही है, उनके सपोर्ट से कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करता हूं, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी को कंफ्यूज करता हूं। बात को समझना भैया, इन्होंने यहां से कुछ ऐसी एक्टिविटी शुरू कर दी जो ISI देख सके, जिससे ISI कंफ्यूज हो जाए। इन्होंने जो जो आतंकवादी की लिस्ट थी उनके बारे में रिसर्च एक्टिवेट कर दी। इन्होंने तुरंत इसराइल फोन लगाया, इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी से बातचीत शुरू कर दी, रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी से बात करी, US में जगह जगह बातचीत शुरू कर दी। और यहां पे कंफ्यूज हो रहे ISI वाले, बोले कर क्या रहा है अजीत डोवाल? अच्छा आतंकवादियों को बोला बात करूं, उससे बात करूं, बोलो कहां है $200 मिलियन मांगो इससे। ये अजीत डोवाल को बोले पैसे दे दो, 35 आतंकवादी दे दो, तभी हवाई जहाज छोड़ेंगे। अजीत डोवाल बोले दे रहे, थोड़ा समय दो, पैसे की तैयारी कर रहे हैं, इतने आतंकवादी लेके आने उसकी तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा समय दो, समय दो। अजीत डोवाल समय मांगते जा रहे थे, और यहां से वो चाहते थे कि ISI को कंफ्यूज करते जाऊं, ISI उनको इंस्ट्रक्शन देता जाएगा। इसको बोलते हैं चाणक्य पंडित। इन्होंने ISI को इतना कंफ्यूज करा दिया कि इन्होंने दुनिया भर में बातचीत शुरू कर दी, और ISI को लगा अजीत डोवाल को लंबी चौड़ी तैयारी कर रहा है भैया, ऐसा ना हो कोई इजराइल से अटैक करवा दे, ऐसा ना हो कि पीछे रशिया का झगड़ा हुआ करता था इनके साथ अफगानिस्तान में, यहां से अटैक करा दे, कहीं US से कुछ करा दे। अब ISI उनको बोले जल्दी कर लो, जल्दी उनको लंबी तैयारी ना कर बैठे, जल्दी करो जल्दी लंबी। तो वो घबरा गए, और यहां इन्होंने बोला अजीत डोवाल ने, एक आतंकवादी दे सकता हूं बताओ? बोले नहीं, पूरे 35 से एक दे सकता हूं बताओ, 35 से एक दे सकता हूं बताओ। तो वो बोले 170 लोग मार देंगे, एक दे सकता हूं बताओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, पहले मौलाना मसूद अजहर दे दो, फिर हमारे को उन्होंने 2 आतंकवादी और बता दिए, ये दे दो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं 3 की ट्राई करता हूं, लेकिन देना एक चाहता हूं। और यहां से ISI ने बोला देख, जो है पैसे वैसे छोड़, ये 3 आतंकवादी जल्दी मंगवा दे हमारे को, ये 3 आदमी चाहिए हमारे को। और बस वही हुआ, वो घबरा गए, और फटाफट इन्होंने उनकी साइकोलॉजी से खेला, नेगोशिएट किया, 35 की जगह केवल 3 दिए, $200 मिलियन की जगह कुछ नहीं दिया, और सारे के सारे 170 के 170 लोगों को, खाली एक का देहांत हुआ था, बाकी सबको हवाई जहाज में लेकर चुपचाप वापस इंडिया आ गए। ये थे अजीत डोवाल, बोला एक से ज्यादा नहीं देना चाहता था, वो तो यहां पे पूरे देश का प्रेशर हुआ पड़ा था, वाजपेयी साहब बोल रहे थे जो मांग रहे हैं दे दो, लेकिन जल्दी अपने लोगों को ले आओ, अपने लोगों को ले आओ। तो ये प्रेशर में चलते, अगर प्रेशर ना होता तो शायद एक से ही बचवा के ले आते। दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड इंडिया का आतंकवादी खत्म कर दिया होता अजीत डोवाल ने। दाऊद इब्राहिम की ना बेटी की शादी थी जावेद मियादाद, क्रिकेटर था, उसके बेटे के साथ जुनैद मियादाद, शादी हो गई पाकिस्तान में। पाकिस्तान शुरू से मना कर रहा है दाऊद इब्राहिम हमारे यहां नहीं, हमारी जमीन पर नहीं रहता, इंडिया मांग रहा है पाकिस्तान से, पाकिस्तान कहता है नहीं यहां। इंडियन इंटेलिजेंस को जब पता चला तो पाकिस्तान को भी वहां समझ रहा था, उसने कहा भाई तुम रिसेप्शन यहां नहीं करोगे, यहां से निकल लो, तुम चले जाओ ग्रैंड हयात होटल के अंदर, दुबई में रिसेप्शन इनकी फिक्स हो गई, वलीमा बोलते हैं शायद इसको। और वो जब इनको पता चला अजीत डोवाल को, बोले सीधा मौका है, पहली बार इंडिया को पता है दाऊद इब्राहिम कितने बजे कहां कैसे किस गली में मिलेगा, था गेम ओवर करेंगे। अजीत डोवाल ने
अपने यहां गवर्नमेंट को समझा दिया हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा करते हैं इसमें छोटा राजन के शार्प शूटर उठाते हैं, नेपाल से इनकी पुरानी दुश्मनी है और दुश्मन को दुश्मन से बढ़वाते हैं, हमारा काम अपने आप हो जाएगा। छोटा राजन के दो शार्प शूटर ये काठमांडू के रास्ते दिल्ली ले आए और दिल्ली लाके एक फाइव स्टार होटल में उनको ट्रेन कर रहे थे, क्योंकि इनका जो झगड़ा है पुराना झगड़ा था, ये 90s का झगड़ा था, हिंदू डॉन मुस्लिम डॉन, और उस झगड़े को ये भुलाना चाहते थे। और अब इतनी बढ़िया ट्रेनिंग चल रही थी, लेकिन ऐसा मीडिया में सुनने में आता है कि आज भी मुंबई पुलिस में कुछ लोग हैं जिनको दाऊद से शायद तनख्वाह मिलती हो, और वही खबर फैल गई। कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस तुरंत दिल्ली पहुंच गया और जाकर के उन्होंने बोला, अजीत डोभाल आप नहीं कुछ कर सकते इसमें, मेरे को ये दोनों आतंकवादी चाहिए, मैं इनको ढूंढ रहा था, ये नेपाल से दिल्ली आ गए, अब मैं इनको ले जा रहा हूँ। अजीत डोभाल ने समझाया, अरे हम बड़े मिशन पे लगे हैं भाई, ये दाऊद को रुक जाओ नहीं। अजीत डोभाल उस समय रिटायर हो चुके थे और कमिश्नर उस समय स्टैंडिंग कमिश्नर थे, और वो दोनों को लेकर नेपाली आतंकवादियों को या समझो छोटा राजन के दोनों शार्प शूटर्स को, लेकिन अगर वो मुंबई पुलिस इस समय हस्तक्षेप नहीं करती तो दाऊद आज इस दुनिया में नहीं होता। अजीत डोभाल इंटेलिजेंट ऐसे है, साहस ऐसा है कि बड़ों बड़ों को चकनाचूर कर दे। ISIS ने इराक को ऑक्यूपाई किया था, अगली कहानी सुनो। और उस समय आपको याद होगा के तिरकित के अस्पताल में वहां हमारी कई नर्सेस थी और वो 46 इंडियन नर्सेस थी जिनको वहां कैप्चर कर लिया। ISIS उनको छोड़ना नहीं चाहता था, वो उनके कब्जे में आ चुका था। अजीत डोभाल चुपचाप जिस दिन ये पता चला, दो दिन के अंदर इराक पहुंच गए, और इराक के अंदर किसी को नहीं मालूम, इंडिया में नहीं मालूम किसी को अजीत डोभाल इराक में, इराक में नहीं मालूम अजीत डोभाल इराक में है। 48 घंटे लगे अजीत डोभाल को ISIS को समझाने में कि मेरे को सारी 46 नर्सेस चाहिए तुरंत। 48 घंटे के अंदर दुनिया में आज तक किसी को नहीं मालूम अजीत डोभाल उनसे क्या बोल के आए। ISIS जो अमेरिका की नहीं सुनता, रशिया की नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता, वो अजीत डोभाल की सुन लिया। 48 घंटे के अंदर सारी 46 नर्सेस को एकदम सुरक्षित वापस इंडिया में ले आए। ऐसे आदमी पुलवामा में अटैक हुआ, उससे पहले अटैक हुआ, यही तो मास्टर माइंड है हमारे सर्जिकल स्ट्राइक के। इंडिया ये तो तुमको पता ना, चीप तरीके से पाकिस्तान अटैक करता, वॉर तो करता नहीं सामने आकर के, आतंकवाद करता, आतंकवाद सस्ता पड़ता उनको। 18 सोल्जर हमारे शहीद हुए थे, कहां पे, ये उरी में, और उरी में जब ऐसा हुआ पूरे देश को गुस्सा था। इन्होंने तुरंत NSA की टीम बुला करके और मिलिट्री की हाई लेवल मीटिंग बुला करके, फना होने की इजाजत ली नहीं जाती है, वतन से मोहब्बत पूछ के की नहीं जाती है। उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया, पूरी तैयारी कर ली, एक एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग PM के साथ इनकी पहले से है, PM से उन्होंने अप्रूवल ले लिया, आइडियोलॉजी दोनों की मिलती जुलती है, आगे बढ़े और जाकर के तुरंत 11वें दिन के अंदर वहां जाके अटैक करके आए। 11वें दिन में LOC में घुसे, 3 किलोमीटर अंदर गए, लॉन्च पैड खत्म किए, 2 पाकिस्तानी सोल्जर्स को भी मारा, इनके 38 टेररिस्ट भी खत्म किए, इंडिया की एक भी कैजुअलिटी नहीं थी। ऐसे ये स्ट्राइक भी किया 2019 में, अभी रिसेंटली इन्होंने पुलवामा में अटैक किया। पिछली बार ये 11वें दिन पहुंचे, इस बार 12वें दिन पहुंचे इंडियन एयरफोर्स लेकर के, LOC को डिस्ट्रॉय करके उनके मिलिट्री कैंप के अंदर घुस के, और वहां जाकर के इंडियन, अच्छा जब ये लोग वापस आने लगे तो पाकिस्तान ने कुछ फॉलो करना शुरू किया, जब फॉलो किया तो उनको खदेड़ने के लिए वापस अभिनंदन गए, अभिनंदन वही रह गए, और जब अभिनंदन वही रह गए ये इंडिया में बहुत खबर हो गई थी, दुनिया में खबर हो गई। डोभाल को टाइम नहीं लगा, 2 दिन लगे, केवल 2 दिन के अंदर US एम्बेसी के थ्रू और डायरेक्ट मैसेज इतना मजबूती से पहुंचा, इमरान खान दुनिया को बोले नहीं नहीं हम तो क्या है विनम्रता के चलते वापस कर रहे हैं। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस टेस्टर हम उनको उसको कल रिहा करने लगे हिंदुस्तान पर। 48 घंटे के अंदर बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया, ज्यादा इधर उधर किया बलूचिस्तान तुम्हें देखेगा नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया 48 घंटे में अभिनंदन वापस। मुद्दा बड़ा सिंपल है, मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। ये तो सारी मलाई दुनिया की मार सकते थे, पर हमेशा इन्होंने वो काम किया जो सबसे ज्यादा रिस्की था, कभी डरे नहीं, निडर है, किसी थ्रेट से घबराते नहीं, चेहरे पे इनके डर दिखता नहीं है, मेंटल पीस को मैनेज कर पाते हैं, इनके पास में सामने वाले की सारी फ्यूचर टैक्टिक्स क्या उसको पकड़ सकते हैं, अग्रेशन गुस्सा और शांति ये दोनों को साथ में लेके चलने वाले, साइकोलॉजी से खेलने वाले, देश को अपनी जान पर खेल कर आंतरिक बाहरी सुरक्षा देने वाले अजीत डोभाल को हम कुछ नहीं दे सकते, पर अगर कुछ दे सकते हैं तो उनको भारत रत्न दे सकते हैं। उनको आज तक पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण क्यों नहीं मिला? तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट से सेकेंड पार्ट जो था और भी अमेजिंग था, जो जो उन्होंने बताया उनके बारे में और जो उन्होंने किया है, ओह माय गॉश, मुझे तो लग रहा है सारी जो जो मेजर अकम्पलिशमेंट्स हो रही हैं इंडिया की वो उनके ब्रेन वर्क से हुई हैं।
मैं तो ये सोच रही हूँ कि हमें तो इनके जैसे और चाहिए, खाली एक के ऊपर ही क्यों, हमारे पास और होने चाहिए इन्हीं की तरह बहुत सारे। तो होपफुली न्यू जेनरेशन में जिनके पास वो टैलेंट है वो आए और वो ये सब करें। पर डेडिकेशन और प्यार फॉर द कंट्री, देखो कितनी बारी ना सपोर्ट, अपनी कंट्री से सपोर्ट ना मिलने के बाद कोई और हो तो वो कहेगा मैं किसके लिए कर रहा हूं, कंट्री के लिए कर रहा हूं, मुझे को सपोर्ट नहीं मिल रहा तो क्या फायदा है, वो गिव अप कर दे। पर इन्होंने गिव अप नहीं किया, हर बारी जब सिचुएशन की नीड हुई आगे बढ़े हैं, काम किया है। अगर नहीं सपोर्ट मिला, वो काम फेल हुआ, तो भी गिव अप नहीं किया, नेक्स्ट जैसी काम आया उसको उसी प्रॉपर इंथ्यूजियाज्म और डेडिकेशन के साथ किया है। बहुत ही अमेजिंग है। राइट, तो काफी अच्छा था और काफी और एग्जांपल्स आए। वाकई मेरे को यही लग रहा है कि काफी जो इम्पोर्टेंट चीजें हुई हैं जहां पे साधारण इंसान को पता नहीं कि क्या हुआ है, सिर्फ ये पता लगा कि विक्ट्री हो गई है, इंडिया जीत गया है, इंडियन ऑपरेशन की वजह से कुछ ना कुछ हो गया है, सब बढ़िया हो गया। वो ये नहीं पता कि उसके पीछे अजीत डोवाल थे, मतलब बहुत उसके पीछे मतलब स्पाई की एक्टिविटी हुई है, इंफॉर्मेशन आई है, पता चला है क्या करना है। उसनी मेहनत, उतनी सारी मेहनत के बाद ही कुछ होता है। लोग बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक है, मगर उनको ये नहीं पता कि सर्जिकल स्ट्राइक के पहले जो है बहुत प्रिपरेशन होती है। एग्जैक्टली वो लोग कहाँ छुपे हैं, कैसे जाना है, कैसे आना है, कैसे अपने को ट्रेस नहीं होने देना, दूसरा बंदा तो पे अटैक ना मार पाए। मतलब अमेजिंग है कितनी प्रिपरेशन जाती होगी और वो उन्हीं का है। तो काफी अच्छा लगा देखकर। और जैसे इन्होंने अच्छी तरह से कहा है, जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया, वो सही एक लिविंग जेम्स बॉन्ड है। मेरे ख्याल से और मूवीज बने चाहिए उनकी लाइफ के ऊपर अभी, कि भाई ये मिशन है, ये मिशन है, बाद में होना चाहिए इंस्पायर्ड बाय मिस्टर डोवाल की जिन्होंने किया। और डेफिनेटली उनको मेरे ख्याल से भारत रत्न जो बोल रहे वो सब अवार्ड्स तो मिलेंगे। अभी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट कह रही है कि एक समय होता है देने का, अभी वो यंग है, अभी वो बहुत कुछ और भी काम करेंगे, तो काफी अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से जो भी ग्रेट बंदा होता है वो अपना सक्सेसर और सक्सेसर्स बना के जाता है, तो आई एम श्योर कि उनके जो है अंडर, उनके जो चेले होंगे, जो उनके अंडर होंगे लोग, उनको रेडी उन्होंने कर दिया होगा कि जब मैं जाऊंगा तो मेरा काम जो है ये सब लोग करेंगे। तो काफी अच्छा वीडियो था, वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, मजा आ गया। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।